Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, हमारी एक एप्लीकेशन है Career Clouds के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर. ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड फोन्स के लिए अवेलेबल है. वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है. अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? व्हाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स. क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी. एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम. इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इन्फोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स. बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा. इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे. डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स. इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं, एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटर. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 29 सितंबर के. ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे श्रेया ठाकुर जी के द्वारा, सभी आंसर आ गए हैं और ये बिल्कुल सही आंसर है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, एंड फिर इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे जाएंगे जो हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया. किनके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा. पहली स्टेट जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन को यूज़ किया था वो भी उत्तराखंड थी. फिर अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, इन्होंने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन को लॉन्च किया विद CESL एंड WRI. इन्होंने नीति आयोग ने, और इन्होंने ही 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स को इस्टेब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर में. इन्हीं के द्वारा याद रखेंगे एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया कि इंडिया सबसे लेस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा. ठीक है, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो कर्नाटका को अपॉइंट किया गया था, मतलब कर्नाटका ने अपॉइंट अडॉप्ट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को. और अगर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्मेट में कि वो स्टेट का नाम बताओ जो कि बेस्ट स्टेट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी आपकी कौन सी है? कर्नाटका. फिर एयरटेल ने पार्टनर किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ टू लॉन्च एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज. फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया लिस्ट 2021 में निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने टॉप किया है. फिर अगर यहीं पे एक चीज़ याद रखेंगे, ये तो हमने देखा कि निर्मला सीतारमन ये मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया है 2021 के लिए. अगर यही डाटा अगर मैं वर्ल्ड के लिए कह दूँ कि मोस्ट पावरफुल वीमेन वर्ल्ड की कौन है, तो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 37th पोजीशन पे आती है, और नायका की फाल्कुनी नैयर आपकी 88th पोजीशन पे आती है. ठीक है, फिर महाराष्ट्र की बात करें, इन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उन्नति के नाम से टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए. पहला ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था. इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं पूछूं बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में होता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था. थर्ड ऑर्गेनिक एक्सपो भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जरा बताओ
सेमिकॉन इंडिया कहाँ हुआ था? बैंगलोर में हुआ था। सेमिकंडक्टर को डेवलप करने के लिए कौन सी स्टेट अभी घोषित की गई है? वो है गुजरात। कौन सी दो कंपनीज ने एमओयू साइन किया? फॉक्सकॉन एंड वेदांता। ठीक, फिर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में ही याद रखेंगे, 36th नेशनल गेम्स हो रहे हैं अभी। फिर ओडिशा ने इंक किया एक पैक्ट विद UNCDF टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब्स फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, और इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं ओलाफ श्लोस, इनको अपॉइंट किया गया जर्मनी का न्यू चांसलर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 4th एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। फोर्ब्स का हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में निर्मला सीतारमण का हमारा 37th पोजीशन आती है, और नायका की फाल्गुनी नय्यर आपकी 88th पोजीशन पे। फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात करें, इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज। इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ द RATS SCO। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 56th, और यहाँ पे टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने इस टॉप में स्पॉट में टॉप कराया। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में ईजिली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा? तो बेटा, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहाँ पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, IBPS RRB एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो आप हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी PDF कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको PDFs मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है, कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो PDF पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना ईजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत ईजी बना दिया है। तो जरूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे सी डॉट।
सी डॉट क्या है आपका, याद रखेंगे ये आज की न्यू करंट अफेयर्स है। सी डॉट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और IIT दिल्ली, इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी टाइप किया गया। अब देखो इस टाइप को कैसे समझेंगे कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जैसे व्हाट्सएप था, पहले व्हाट्सएप नहीं था, पहले तो स्मार्टफोन भी नहीं थे, पहले आप यूज करते थे टच स्क्रीन फोन भी नहीं आते थे, बटन वाले फोन आते थे। तो ये चेंज कैसे आया कि हमने देखा कि टच स्क्रीन आ गया, फिर हमारे और ज़्यादा फीचर्स आने लगे फ़ोन में, नई नई एप्लीकेशंस आने लगी। अब आप क्या है वीडियो कॉल कर सकते हैं, अब आपको इंटरनेट के थ्रू आप किसी से भी इजीली वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले तो ये चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती थी कि घर बैठे बैठे आप किसी व्यक्ति से आप उसको देख भी सकेंगे। तो ये क्या है, ये चेंज कैसे आता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन दोनों से वर्क करती है और आगे एडवांसमेंट की तरफ वो जाना चाहते हैं और उस फील्ड में वो पर्टिकुलरली वर्क भी करते हैं। तो सी डॉट और IIT दिल्ली मिलके किस चीज़ में वर्क करेंगे, आइए देखते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बात की जाएगी, M2M मशीन टू मशीन लर्निंग में बात की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग को आगे बढ़ाया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा। इन सब की मदद से जो नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे वो मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे लोगों के लिए। तो यहाँ पे बेसिक एम क्या है, टू क्रिएट फ्रेमवर्क दैट फॉस्टर्स अ म्यूचुअली प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क बिटवीन अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ होली इंडिजिनियस टेलीकॉम सॉल्यूशंस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं सी डॉट IIT दिल्ली ने टाइप किया, एक MOU साइन किया ताकि वेरियस एरियाज पे वर्क किया जा सके, ताकि उनको टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके, जैसे IoT, M2M, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, 5G एंड बियॉन्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्टेट काउंसिल अ सेक्टर काउंसिल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आई रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी DEPWD एंड सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन्होंने Amazon इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अभी एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया है ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जा सके। ये कहाँ पर किया जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा जो कि न्यू दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी पहला टाइगर रिजर्व अप्रूव किया है बुंदेलखंड रीजन में, काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं टाइगर से रिलेटेड तो जरा देखें, पहला या फिर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1973 में, और 1973 में ही आपका चिपको मूवमेंट भी आया था। अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो यह आया था 1972 में, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी पहला टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है, कहां पर, बुंदेलखंड रीजन में, और ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रहेगा, ठीक है। क्या नाम रहेगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसको अप्रूव किया गया अंडर सेक्शन 38V ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच हैज प्रीवियसली बीन नोटिफाइड एज रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP। तो बुंदेलखंड रीजन में इसको टाइगर की कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए यूपी में ये पहला टाइगर रिजर्व बना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बुंदेलखंड रीजन में, और उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व रहेगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है जो आपको देखने को मिलेंगे, चार टाइगर रिजर्व जो हमने बात की वो कौन कौन से रहेंगे, जैसे रानीपुर टाइगर रिजर्व, फिर आ जाता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, फिर आ जाता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये चार टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब चलिए अगर मैं इसी की बात करूं टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पे जो इसका एरिया रहेगा ना वो अराउंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी ना, ये पहले थी कहाँ था, यूपी में ही थी, तो ये पहले थी रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व कर दिया है, ठीक, याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट। कुछ 530 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे चिपी एयरपोर्ट की। चिपी एयरपोर्ट को जो कि महाराष्ट्र में है, इसको नाम चेंज करके अब क्या करने की बात की गई है, आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई जी के। ये काफी फेमस व्यक्ति हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये एक सोशलिस्ट थे, तो इनके नाम के बिहाफ पे ये नाम चेंज करने की बात की गई ऑफ द चिपी एयरपोर्ट, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट सोशल लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। इस चिपी एयरपोर्ट को मार्च में 2019 में इनॉग्रेट किया गया था और अब इसका नाम चेंज करने की बात की गई आफ्टर बैरिस्टर नाथ पाई जी। नेक्स्ट पे आते हैं ICAO।
ICAO क्या होता है आपका, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक। फिर दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये किन के बीच में टाइप था अगर आपको याद हो, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये आपका सोलर एनर्जी से रिलेटेड वर्क करता है। तो अभी रिसेंट में जो टाइप हुआ, एक MOU साइन किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ICAO के द्वारा। तो रीजन क्या था, ये 42nd असेंबली के दौरान ICAO असेंबली, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में, इनका हेडक्वार्टर भी यही है, यहाँ पे जो ये टाइप हुआ है, ये MOU साइन हुआ, ये क्या है बेसिकली, जो एविएशन सेक्टर है वो जो कार्बन फुटप्रिंट रिलीज करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमिशंस रिलीज की जाती हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द एविएशन फ्यूल, उसको चेक करने के लिए, उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए कि क्या वो कंट्रोल में है या नहीं है, क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है एक्सेस में, इसीलिए ये एक MOU साइन किया गया, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है इससे भी, एंड उसको हमें चेक में रखना है और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने की यहाँ पे बात की गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इंडिया का टारगेट देख लेते हैं क्या रहेगा, टू नेट जीरो कार्बन गोल क्या है इंडिया का टारगेट ईयर 2070, ये COP26 के दौरान इन्होंने टारगेट सेट किया था। फिर इंडिया का टारगेट रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से 100 गीगावाट आपकी सोलर एनर्जी होगी बाय 2022, एंड रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 30-35% बाय 2030, ठीक है। फिर अगर मैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, ये वर्ल्ड का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया था वर्ल्ड का 2015 में। अगर मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, तो ये भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है, कौन सी, हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पे। और इनका भी एक टारगेट ईयर था कि हम भी कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, कब तक, 2030 तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन नेवल शिप सुनयना की बात करें। ये सुनयना अभी क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी, क्योंकि इन्होंने अभी इस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया एक मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज जो कि शीशल्स में कंडक्ट कराई जा रही थी, ठीक है। अगर मैं इस INS सुनयना की बात करूं, इसकी स्पीड रहेगी कितनी, 25 नॉट्स की। हम जानते हैं नॉट्स आपकी स्पीड होती है जो ओशंस में इन वेसल्स के द्वारा जो नापी जाती है। फिर इसको डेवलप किया गया था अक्टूबर 2013 में, ठीक है। किसके द्वारा कमीशन डेवलप किया गया था इसको, डिजाइन एंड डेवलप बाय गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक। और इसने ही अभी पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज थी, इसको CMFB बोलते हैं, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज जो कि शीशल में कराई गई थी 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में, ठीक है। याद रखेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज जो कि शीशल्स में हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस INS सुनयना की, तो ये सेकंड सूर्य क्लास सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, OPV नेवल OPV है, ठीक है। और इसको कभी कमीशन किया गया था अक्टूबर 2013 में इसको कमीशन किया गया था। फिर दूसरी चीज, ये गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन एंड डेवलप्ड है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूबी कंपनी, जिसका नाम पहले था क्रेड एवेन्यू, इन्होंने अभी SBI बैंक के साथ पार्टनर कर लिया है ताकि क्रेडिट एक्सेस को बढ़ा सके टू द प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब इनकी मदद से इन्होंने SBI के साथ टाई अप किया ताकि जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस है ना उनको बेटर प्रोवाइड किया जा सके, टू कोलैबोरेट विद मल्टीपल पार्टनर्स विद अ क्विक वन टाइम एप्लीकेशन इंटरफेस। इसी के साथ साथ क्या होगा, जो आपकी क्रेडिट की सप्लाई होगी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईज हो जाएगी जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है ना उसमें, ठीक। फिर आप देखेंगे जो क्रेडिट कंट्री वाइड क्रेडिट गैप है ना उसको पूरा करने की यहाँ पे बात की गई। एक्सपेक्टेड ये है कि इन दोनों के टाइप से जो कोलैबोरेशन होगा ना, इट विल अनलॉक अराउंड $1 trillion इन कैपिटल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन Tier 2, 3, 4 सिटीज, ठीक है। मतलब $1 trillion की कैपेसिटी का यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा कि यहाँ पे ये यूज कर पाएंगे, इस मार्केट को अचीव कर पाएंगे, इस मार्केट को कवर कर पाएंगे इन Tier 2, 3, 4 सिटीज, ठीक है। फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गए, फार्मर्स हो गए, इनको भी ये टारगेट यहाँ पे करेंगे साथ साथ, ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ आपके NBFCs, हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज, ठीक है, फिनटेक्स, जिनको भी लेंडिंग चाहिए, लेंडिंग होता है लोन देना, जिनको भी पैसा चाहिए ताकि वो अपने डे टू डे वर्क कर सके, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए फिर एक टर्म आया यहां पर, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग PSL क्या होता है,
ये वो कंपनीज होती हैं या फिर ये वो एक प्रोजेक्ट है समझ लीजिए जो कि आपका एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को टारगेट करेगा। अब जैसे ONDC प्लेटफॉर्म है वो बहुत लार्ज सेक्शन को कैटर करने वाला है, तो उनको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपकी वहां पे फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, SBI की मैं बात करूं, SBI के चेयरमैन कौन रहेंगे? दिनेश कुमार खारा जी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। UBI की मैं बात करूं, जिसको पहले क्रेड एवेन्यू बोला जाता था, गौरव कुमार इनके फाउंडर एंड CEO रहेंगे, और हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी प्लेज किया कि हम $14 बिलियन आने वाले 2022 से लेके 2025 तक हम $14 बिलियन स्पेंड करेंगे एशिया पैसिफिक रीजन में, कि जो भी फूड क्राइसिस चल रही है वहां पे उसको खत्म किया जा सके। फूड क्राइसिस आप कह सकते हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये इशू आ रहा है। इवन अगर आप देखेंगे अभी पाकिस्तान में जब फ्लड आई थी तो 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पानी में डूब गया था। उसके बाद अब आपको देखने को मिल रहा है वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई चेन क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। लोगों जैसे पहले ट्रांसपोर्ट होता था, पहले आप देखते थे फसल हो जाती थी, लेकिन अब क्या है वहां पर सब सारी जगह पानी भर गया है, तो ऑब्वियसली फसल का होने का तो चांस ही नहीं है। ऊपर से ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे काफी सारे लोग फंसे हुए हैं जिनको डे टू डे बेसिस पे भी डेली आपका प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ये जो क्राइसिस है ना दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आप देखेंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये सिचुएशन है कि जहां पे प्रॉपर एक सेटअप नहीं है, जहां पे आप देखेंगे रूरल एरियाज नहीं है, जहां पे सिटीज की, जहां पे बिग बिग कंपनीज की अप्रोच नहीं है, जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां पे आप देखेंगे काफी ज्यादा फूड क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये डिसीजन आपका $14 बिलियन इन्वेस्ट करने का 2022 से लेकर 2025 के बीच में 5th एनुअल मीटिंग के दौरान ले लिया गया ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि मनीला फिलीपींस में हुई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। फिर इसी के साथ है, एक और चीज याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो ग्लोबल जो इंडिया की ग्रोथ रेट है उसको 7% तक रिड्यूस कर दिया, GDP ग्रोथ रेट को, जो कि पहले एस्टिमेटेड थी टू बी 7.2%, अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? मासासुगु आसाकावा। हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस में। 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, जिसमें से 49 आपका एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं और 19 आउटसाइड द वर्ल्ड। फिर आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा की बात। बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखेंगे उनके द्वारा एक खुशियों का त्यौहार, एक फेस्टिव सीजन लॉन्च किया गया, ये कैंपेन लॉन्च किया गया, और इन्हीं का है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। ये बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफर्स देने के लिए, अट्रैक्टिव ऑफर्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए। तो ये बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम ये क्या है बेसिकली, ये बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम के अंदर आपको जो इंटरेस्ट रेट है ना वो ज्यादा मिलेगा। ये आपकी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, अगर आप 444 दिन के लिए करते हैं तो आपको 5.75% का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर यहीं आप 555 दिन के लिए कर देते हैं तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और इसी के साथ साथ अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 0.5% का आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। इसी के साथ साथ ये जो हम आपकी बात करें तो होम लोन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, जो कि काफी कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट में 7.95% पर एनम, कार लोन्स आपको 7.95% पर एनम पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसकी इमेज रह गई, अपलोड नहीं हुई आई गेस, तो ऐसे याद चलते हैं। येस बैंक और यूको बैंक, अगर आपको, हम मैंने आपको कल परसों वीडियो में बताया था कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं और नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट होते हैं कि जब बाहर कंट्रीज की कंपनीज इंडिया के बैंक में आके अपना अकाउंट खोलेगी तो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा, और जब इंडियन कंपनीज जब बाहर किसी कंट्री के बैंक में जाके अकाउंट खोलेगी तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। तो अब हम वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल रहे हैं, एंड ड्यू टू जो भी सैंक्शंस वेस्ट के द्वारा रशिया पे लगाए हैं, ड्यू टू गोइंग ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, उसकी वजह से आप देखेंगे कि US रशिया से काफी सारी कंपनीज बाहर चली गई हैं। तो उसमें जो अब हमें देख रहे हैं कि वो जो गैप बन गया है कंपनीज का रशिया में ट्रेड का, उसको पूरा करने के लिए, उसको एक एडवांटेज लेने के लिए इंडियन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ये स्टेप लिया गया कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, और इसीलिए येस बैंक और यूको बैंक ने पार्टनर किया इनटू एन एग्रीमेंट विद टू रशियन बैंक फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस विद रशिया। और इसी के लिए उन्होंने, ताकि पहले डॉलर में ट्रेड होता था कि अब डॉलर में ना हो, इंडिया और रूबल में डायरेक्ट हम ट्रेड कर सकें, इसलिए वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की बात की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सैमसंग इंडिया और एक्सिस बैंक के द्वारा मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की बात की गई, जो कि है वीजा सिग्नेचर एंड वीजा इनफाइनाइट। तो ये दो आपके क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई सैमसंग इंडिया और एक्सिस बैंक के द्वारा मिलके। और ये क्या है कि जैसे आप कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप वीजा सिग्नेचर और वीजा इनफाइनाइट की मदद से यहाँ पे कोई भी परचेज करेंगे तो आपको एडिशनली 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लें सैमसंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्टर कार्ड की। मास्टर कार्ड ने अभी एक कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। ये पहले ही ओवर 25 कंट्रीज में लॉन्च किया जा चुका है, वहां पे करंटली यूजिंग में है। ये आपका कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर क्या बताता है कि अगर आप कोई भी परचेज करते हैं, कोई भी चीज परचेज करने की बात करते हैं, तो आपका उस परचेज डिसीजन से, या फिर आप कह सकते हैं जैसे आपने फोन लिया, तो आपको ये कैलकुलेटर बता देगा कि जो आपने फोन परचेज किया इसके लिए जो अमाउंट ऑफ कार्बन हमने एमिट किया था कंपनीज ने बनाने के लिए, या फिर जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कार्बन एमिट किया गया होगा, क्योंकि एनर्जी लगती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। और एनर्जी कैसे आती है आपको पता है, कार्बन उससे रिलीज होता है एनर्जी अगर हम यूज कर रहे हैं, तो कितना कार्बन एमिट हुआ होगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, वो दिखाएगा यहाँ पे आपका ये कार्बन कैलकुलेटर। ये बेसिक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि अगर हम जो भी हमारा एक्शन होता है वो कितना ज्यादा फ्यूटाइल हो सकता है टुवर्ड्स आर एनवायरमेंट। जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, क्रैकर्स को हम दिवाली पे सोचते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है तो हम बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन आप उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी सोचिए। दो फेस्टिवल सीजन है हमारी जज्बातों से जुड़ा है इंडियंस के, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पटाखे फोड़ने से आपका कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है, आपके एनवायरनमेंट पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि जो बड़े लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनकी हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखने की होती हैं। और अगर ऐसा ही, मैं तो कहता हूँ, मेरा तो एक सजेशन ये भी रहेगा कि एक ऐसा भी आपका कैलकुलेटर बना दें जो कि पटाखे फोड़ने पे भी आपका ये बताए कि कितना कार्बन रिलीज किया गया एटमॉस्फेयर में, उससे आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ताकि बस। और ये चीज़ क्या है कार्बन कैलकुलेटर, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, किसके द्वारा, मास्टर कार्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मुथूट फाइनेंस ने अभी लुलू इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ टाई अप किया गोल्ड लोन रीपेमेंट के लिए। ठीक है, डायरेक्ट चीज याद रखेंगे, मुथूट फाइनेंस एम करता है ड्राइव कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ मनी ट्रांसफर फॉर ओवर 4 लाख NRIs इन UAE हुज रिलेटिव्स हैव अवेल्ड गोल्ड लोन्स बैक होम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे Amazon इंडिया, इन्होंने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, वो है Amazfit सर्कल्स। ये बेसिकली क्या है, वीमेन्स को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे डाटा स्ट्रक्चर्स, कोडिंग, एल्गोरिदम्स, इसमें वीमेन्स को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जब वो आगे जब ये चीज़ें सीखेंगी तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करने के लिए Amazfit सर्कल्स ने ये Amazfit सर्कल्स ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं ये एक स्किल प्रोवाइडिंग प्रोग्राम है, मतलब लोगों को यहाँ पे वीमेन्स को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए Amazon के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर आ जाते हैं लता मंगेशकर अवार्ड के ऊपर। ये उस किस फील्ड में दिया जाता है, लता मंगेशकर आप जानते हैं काफी फेमस सिंगर थी, काफी फेमस म्यूजिशियन थी, तो म्यूजिक के फील्ड में ये आपका अवार्ड से सम्मानित करा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। इनका जन्म कब हुआ था लता मंगेशकर जी का, अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था 1929 में, सितंबर 1929 में, और इन्होंने अभी अपना निधन हुआ फरवरी 2022 में, इनका निधन हो गया था। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेटेड दैट दिस अवार्ड इन 1984 और उसके बाद मेरिट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और कैश प्राइस से लोगों को यहाँ पे सम्मानित करा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन तीन व्यक्ति हैं, कुमार सानू को लता मंगेशकर अवार्ड से 2019 के लिए सम्मानित किया गया फॉर हिज वॉइस फ्रॉम 1970 टू 1980,
आनंद मिलिंद, इनको ऑनर किया गया लता मंगेशकर अवार्ड के लिए फॉर 2020 फॉर हिज कंपोजिंग म्यूजिक ओवर 200 फिल्म्स। कुमार सानू को ऑनर किया गया लता मंगेशकर अवार्ड से फॉर 2021 फॉर हिज वेलवेट वॉइस टू न्यूमरस पीपल सॉन्ग्स इन 1990s। तो 19, 20 और 21 के लिए ये लोगों को सम्मानित किया गया, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू को। आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देखते हैं सकते हैं, इनको सम्मानित किया गया लता मंगेशकर अवार्ड से। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट आ जाते हैं MBS, मोहम्मद बिन सलमान, इनको अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। कहाँ का? सऊदी अरेबिया का। काफी इंपॉर्टेंट, इससे पहले ये क्या थे? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे और इनको अब प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया है। एक चीज और याद रखेंगे इनके बारे में, ये बाय डिफेक्टो लीडर थे आपके, बाय डिफेक्टो यहाँ पे इनको प्राइम मिनिस्टर बनना ही था। और ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे 2015 से लेके 2022 तक, ठीक है। और ये अभी डिफेक्टो रूलर बन गए हैं, थे आपके सऊदी अरेबिया के। और ये कब से कब तक? 2015 से 22 तक क्या रह चुके हैं? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और अब ये आपके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कहां के? सऊदी अरेबिया के। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एक्विजिशंस की। एक्सिस बैंक ने अभी 10% स्टेक बाय किया है अपना फेयरफैक्स बैक्स गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में। इन्होंने जो स्टेक बाय किया है वो है 9.94% का, 50 करोड़ से लेके 70 करोड़ के बीच में इनकी डायल रहेगी, आपकी रेंज रहेगी फॉर परचेजिंग दिस स्टेक। और IPO में ये इन्होंने बाय करने की बात की गई, एज वेल एज ये जो अमाउंट पे करेंगे दो इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट को पे किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं तो CEO कौन रहेंगे? अमिताभ चौधरी जी। हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में और 1993 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। सिमिलरली अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, ये 5.56% स्टेक बाय करेंगे ONDC में। और ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये आपका 10 करोड़ रुपए लगाकर आपका 5.5% स्टेक बाय करेंगे इन बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखेंगे इन्होंने 10 लाख इक्विटी शेयर बाय किए फॉर 100 रुपीज ईच इन ONDC। और ये ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2023। तो कितना परसेंट? 5.5% स्टेक 10 करोड़ रुपए की लागत से, और ईच शेयर आपका 100 रुपए का पड़ेगा। इन्होंने कितने शेयर बाय करे? इन्होंने 10 लाख शेयर बाय करे, तो ईच शेयर से अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू क्या जाती है? 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ONDC में कितना स्टेक बाय किया? 5.5% स्टेक बाय किया बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो अतानु कुमार दास यहां पे MD एंड CEO रहेंगे। 1906 में इसको फाउंड किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र यहां पे हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे जलदूत ऐप। जलदूत बेसिकली, जल क्या होता है? पानी। जलदूत ऐप आपका बेसिकली क्या दर्शाता है कि ग्राउंड वाटर में जो आपका लेवल है वो कितना है। जो ग्राउंड वाटर आपका पानी है, जो अंडरग्राउंड जो आपका जमीन में पानी है, उसका लेवल कहाँ कितना है ऑल ओवर इंडिया, किस कौन सी जगह पे किस स्टेट में कितना ज़्यादा पानी है, कहाँ पर हमें कम पानी देखने को मिल रहा है। तो इस सब की मॉनिटरिंग करने के लिए जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया दिल्ली में। किनके द्वारा ये डेवलप की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इनको मिलके ये आपकी एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड वाटर टेबल्स को अक्रॉस द कंट्री मॉनिटर करने के लिए ही ये जलदूत ऐप लॉन्च की गई। फिर नेक्स्ट बात करेंगे DRDO के द्वारा अभी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को टेस्ट किया गया। इसको टेस्ट कहां से किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया। आई रिपीट, क्या याद रखेंगे? DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को टेस्ट किया गया ITR चांदीपुर से ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, इसको टेस्ट किया गया। और दिस मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंजेस, ठीक है। शॉर्ट रेंज में आपके जो एरियल थ्रेट्स हैं उसको खत्म करने के लिए ये यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेविक। नेविक क्या है आपका? जैसे आपका GPS होता है ना कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऐसे ही आपका नेविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। मतलब जैसे इंडिया में हम देखते हैं मोबाइल फोन्स में हम GPS यूज करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि 2023 के बाद जो भी स्मार्टफोन्स इंडिया में सेल किए जाएंगे उसमें GPS की जगह नेविक सिस्टम को यूज किया जाएगा। ये भी आपका GPS की तरह ही है, मैप शो करेगा लेकिन नेविक टेक्नोलॉजी से। नेविक 2006 में प्रपोज की गई थी और 2018 में जाके इसको लॉन्च कर दिया गया था, बना दिया गया था। तो अब इंडिया ने ऑपरेशनल आ गया था और ये $174 मिलियन की लागत से बनाया गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करने के लिए ये बोल रही है कि अब आपको
इंडिया में अगर फोन बेचने हैं तो उसमें नेविक सिस्टम यूज करना है इंस्टेड ऑफ जीपीएस। ठीक, चलिए फिर देख ही चुके हम 2006 में इसको $174 मिलियन की लागत से अप्रूव किया गया, ऑपरेशनल 2018 में आया और नेविक 8 सैटेलाइट से कंसिस्ट करता है एंड कवर द होल ऑफ इंडिया लैंडमास एंड अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड रेबीज डे, 28 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेबीज डे और इस बार इस साल हमने 2022 में 16th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया। थीम क्या रहेगी? रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। आई रिपीट, रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ आपकी ये थीम रहेगी वर्ल्ड रेबीज डे की। और पहला वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व किया गया? फिर 2007 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है ये डे? IDUAI जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, UN के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया 2022 में और तस्केत उज्बेकिस्तान में ये 28 एंड 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपको इसकी थीम याद रखनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आपकी थीम रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं क्विक रिविजन पे। सी डॉट और IIT दिल्ली ने एक MOU साइन किया फॉर कॉर्पोरेशन इन एमर्जिंग एरियाज ऑफ टेलीकॉम। डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको MOU, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए एक MOU साइन किया गया Amazon एंड DEPWD और SCPWD के द्वारा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की ऑन द 4th राउंड ऑफ क्वार्टर एम्प्लॉयमेंट सर्वे। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया पहला टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन में और ये इनका चौथा टाइगर रिजर्व रहेगा स्टेट का। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया नेमिंग ऑफ शिपी एयरपोर्ट ऑफ द बैरिस्टर नागपाई। ICAO इन्होंने एक MOU साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। INS सुनियाना इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स जो कि शीशल में हुई थी। UB जिसको पहले क्रेड एवेन्यू बोलते थे इन्होंने SBI के साथ पार्टनर किया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लेज करेगा इन्होंने 2022 से लेके 2025 तक $14 बिलियन स्पेंड करने की बात की गई फॉर फूड सिक्योरिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुशियों का त्यौहार फेस्टिव सीजन को लॉन्च किया। यूको बैंक और येस बैंक ने पार्टनर किया 2 रशियन बैंक्स के साथ यूजिंग वॉस्ट्रो अकाउंट। फिर सैमसंग इंडिया ने एंड एक्सिस बैंक ने अभी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए। फिर मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया कार्बन कैलकुलेटर्स इंडियन कस्टमर्स के लिए कि कोई भी आप चीज़ बाय करते हैं तो उसकी कार्बन फुटप्रिंट कितना है वो मेजर करने के लिए। मुथूट फाइनेंस ने टाई अप किया लुलू इंटरनेशनल एक्सचेंज को गोल्ड लोन्स की रीपेमेंट के लिए। फिर अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया एमेज विद सर्कल्स, ये क्या है, वीमेंस को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए और फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, इनको लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्राउन प्रिंस MBS ये नए आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए सऊदी अरेबिया के। एक्सिस बैंक एक्वायर करेगा 9.94% स्टेक इन द फेयरफैक्स बैक गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें ये इन्होंने एक्वायर किया 5.56% स्टेक इन ONDC और अभी रिसेंटली जलदूत ऐप लॉन्च की गई है ग्राउंड वाटर टेबल को मॉनिटर करने के लिए ऑल अराउंड इंडिया। फिर DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को ITR चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। फिर नेविक, ये आपका जैसे ही GPS है सिमिलरली आपका है ऑल्टरनेटिव टू GPS और इंडिया में इसको 2023 के बाद जो भी फोन सेल किए जाएंगे उसमें यूज करने की बात की गई। फिर वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को और इंटरनेशनल डे फॉर एक्सेस यूनिफॉर्म एक्सेस टू इंटरनेशनल डे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेस यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू टारगेट फॉर रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। इन्वेंटिव, ये आपका एक इवेंट है जो कि न्यूज में था रिसेंटली, किस लिए है ये? फिर नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल को लॉन्च किया गया किस कंट्री में? चौथा क्वेश्चन, तमिरापानी रिवर, ये अभी न्यूज में थी, ये किस स्टेट में लोकेटेड है बताओ। फिर आप बताओ जलदूत ऐप ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप की गई है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस, कमेंट करना बिना चीटिंग के। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।